ये तो आपके नेता सार्वजनिक मंच पे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बिल्कुल किया है। मैं कुछ और आपको मुद्दे भी बता देता हूँ। देखिए, सवाल है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जातीय जनगणना, ये सवाल है। जब एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमिटी बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए जब बातें होंगी, तो इन सवालों पर आधिकारिक तौर पर भी पार्टी अपनी बात रखेगी, उस फोरम पर भी अपनी बात रखेगी। लेकिन अब तो ये पब्लिक डोमेन में है, इसको बोलने वाले लोग आपके चैनल पर भी है और पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इस बात को लगातार बोल रहे हैं। तो मुद्दों पर बात करना, मैं नहीं समझता हूँ कि गठबंधन को लेकर कहीं कोई असहज होने की स्थिति है। ये मैं पूछ रहा था, आपने बोला आप पूरा नहीं बोल रहे हैं। अग्निवीर स्कीम में क्या खामी आपको दिखती है जो आप रिव्यू करना चाहते हैं, और इसके लिए आप किसी से बात हुई है? आप, मैं आ रहा हूं एक बार, अभय जी आ रहा हूं, मनोज जी आपके पास पहले आऊंगा। आपको अगर स्मरण होगा तो जनता दल यूनाइटेड ने अग्निवीर योजना को लेकर के, जिस समय हम एनडीए में नहीं थे उस समय भी हम मुखर थे, और उसकी खामियों पर एक विस्तृत जो विवरण है वो आधिकारिक फोरम पर हम लोग रखेंगे। आप समझ सकते हैं जो अस्थायित्व को लेकर के सवाल है, जो उससे जो लोग बेरोजगार होंगे बड़ी संख्या में उसकी चिंता है, उन सवालों पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उन सवालों पर बातें होंगी। लेकिन अभी मुद्दे कई हैं, उन पर पार्टी आधिकारिक तौर पर जब बात करेगी तो हम लोगों के लिए भी कुछ कहना ज़्यादा सहज होगा। इतनी बात है कि कुछ सवाल हैं जनहित से जुड़े सवाल हैं, और नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस का वो दौर याद कर लीजिए, अटल जी का दौर, उस समय बड़ी संख्या में पार्टियां थी, सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, जनता से किए वायदे पूरे किए, और निसंदेह जो कई ऐसे सवाल थे जिस पर व्यापक सहमति नहीं होती थी उन पर कोई निर्णय अलायंस की पहल पर सरकार नहीं लेती थी। तो ये एक इतिहास है एनडीए का, और हम लोग उस दिशा में कोशिश करेंगे कि ये सर, इतिहास तो बहुत नया जो स्वरूप हो, खासकर जेडीयू की बात करें तो इतिहास बहुत कुछ कहता है जेडीयू का, सीधी लकीर तो जाती ही नहीं है, और इसीलिए आपसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं तारीफ करता हूं कि आप सभी सवालों का सामना करते हुए बड़े अच्छे नहीं बस केवल 30 सेकंड में आपका ये जवाब मैं आता हूं सर, अभी 20 सेकंड नहीं, अभी और टाइम दूंगा आपको, मैं आपको और टाइम दूंगा, लेकिन आप बहुत देर से बोल रहे हैं। नहीं, ये बेहद अहम है, अरे इसी पे बोल दीजिएगा आप बस 30 सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा बोल दीजिए, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी ने 50 वर्षों के जीवन में काजल की कोठरी में रख करके खुद को बेदाग साबित किया है, और नीतीश कुमार जी ने किसी को युवराज बनाने के लिए कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया है, और इस पर बार बार उनके चाल चरित्र और चेहरे पर बिहार की जनता ने मुहर लगाया है। सिवाय मीडिया के, नीतीश कुमार जी को सब लोग समझते हैं और बिहार की जनता तो बेहतर तरीके से समझती है। सर, हम तो वो हैं कि आपका गुस्सा भी झेलेंगे, आपका प्यार भी झेलेंगे, आपकी तारीफ भी झेलेंगे, आपकी आपत्तियां भी झेलेंगे, लेकिन दर्शक तय कर देगा कि वो क्या है, वो क्या चाहता है। मनोज जी, अब आपका टर्न है, बताइए भाई, काजल की कोठरी में भी रहकर बेदाग है नीतीश कुमार, आप लोग क्यों उन पर सवाल उठा रहे हैं? और वो कोई मंत्रालय जो चाहते हैं वो आपस की बातें कर लेंगे, कोई खींचतान नहीं है, क्यों मजे ले रहे हैं आप लोग? गौरव जी, कोई मजे नहीं ले रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रालय रियल में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा तो ये बड़ा होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल और जो नेता अपने ब्रेकफास्ट में विधायक खाते हों, और अपने लंच में सांसद खाते हों, और शाम को राजनीतिक दल खाते हों, उनके साथ जो भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये टेन ईयर का बीता है उसमें बड़े बड़े एनडीए के घटक दलों का क्या हाल किया गया ये सबको पता है। मैं तो एक बात कहूँगा कि कोई भी मंत्रालय ले लेना, लेकिन अपने दल को, अपने सांसदों को, अपने नेता को सुरक्षित कर लेना, यही सबसे बड़ी गौरव जी बात है। अगर ये नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पे जिस दल के साथ अलायंस होने जा रहा है एनडीए के साथ, जो तो जानकार तो वो भी होंगे, नेचर है नीतीश कुमार जी, ढाई दशक से बिहार की पॉलिटिक्स के सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, इतनी चीज नहीं समझते वो? नहीं देखिए, इस वक्त बीजेपी को बहुत क्रूशल टाइम से बीजेपी गूंज रही है। अभी तक बहुमत थी, अलग बात थी अगर थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ कर लेते, अभी तो उनको 273 के आसपास पहुंचना है, और वो गठबंधन के दल
जो हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने अपने उनकी शर्तें होंगी। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो शर्तें बड़ी अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रालय जो भी लेना, लेकिन ताकत अपने पास जरूर रखना कि आपके सांसद सुरक्षित रहें, नहीं फिर ये सरकार आपको खा जाएगी, क्योंकि इसका नेचर है। रोजगार खा गई, महंगाई को ज्यादा बढ़ा दिया, महिलाओं की बात करके ये बात तो अवैध हो गया, इंडिया पर भी लागू होती है। अगर वो अपने सहयोगियों को अपने में मिला सकते हैं तो आप तो विरोधी हैं। फिर तो ये मानिए इंडिया पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है अवैध दुबे। इंडिया के दल छोड़कर उधर जा सकते हैं, क्योंकि सत्ता में किसको नहीं रहना। इंडिया नहीं, मनोज यादव नहीं, अवैध दुबे। देखिए, इसी के खिलाफ तो करारा मैंडेट दिया है। मोदी जी को पीछे क्यों रखा? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत क्यों नहीं दिया देश ने? इसी आचरण के कारण क्या हुआ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में दल तोड़कर सिंबल दे लोगों को, तो महाराष्ट्र ने वो सबक सिखाया कि अब साहस नहीं जुटाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ राजीव रंजन जी, आई थी बताइए, आपके कौन दो नेता को तोड़ लिया था इन लोगों ने? बताइए किस लिए नीतीश बाबू नाराज हुए थे? आपकी पार्टी को खत्म करने की कगार पर ला दिया था इन्होंने, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब तो आपने ज्वाइन किया। और ये हमारे चाचा जी बड़े समझदार हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं वो, और अच्छे गवर्नेंस का मॉडल भी उन्होंने पेश किया। मैं उनका बड़ा शुरू से प्रशंसक रहा हूँ। ये तो रद्दी माल भारतीय जनता पार्टी ने ही बताया था उनको। मैंने कभी उनकी आलोचना सार्वजनिक रूप से कभी नहीं की, आज भी नहीं करूंगा, वो साथ रहेंगे तो भी नहीं करूंगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल देश के सामने क्या है? बड़ा सवाल मनोज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। आज सबसे पहली बात तो मेरी इनसे सलाह है कि साहब पहले लोकसभा अध्यक्ष पद मांगिएगा, नहीं तो न जाने कितने सांसदों को खरीद फरोख करेंगे, अयोग्य करेंगे, सदन के बाहर कर देंगे। कम से कम उनके रहते तो ये स्थिति संभव नहीं। एक दो महीने जब तक